नमस्कार। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि साल 2024 का जो पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, ये आपकी राशि पर क्या असर डालेगा। मेष राशि से लेकर मीन राशि वालों तक के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस राशि वाले के लिए ये ग्रहण क्या प्रभाव लेकर आया है। इसके साथ ही सक्सेस मंत्र में जानेंगे कि यदि आज आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं, तो क्या उपाय करके घर से निकले ताकि आपको फायदा हो। साथ ही शुभ मंगल सावधान में जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा, और आपका राशिफल और लकी नंबर तो बताएंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है और आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। दिनांक 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः काल 6:53 तक, नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 12:58 तक, चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:39 तक। राहु काल का समय जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय है शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साल 2024 का ये पहला सूर्य ग्रहण है। पंडित जी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का नाम सुनकर के ही लोगों को लगता है अरे क्या होगा, आगे आने वाले दिन कैसे होंगे। तो ये जो ग्रहण लगने जा रहा है, इसकी शुरुआत कब से होगी, कब समाप्त होगा, कितने घंटे तक रहेगा ये? देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण खगोल की दृष्टि से भी बड़े महत्वपूर्ण है और ज्योतिष इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। जिस सूर्य ग्रहण की हम आज बात कर रहे हैं, वो वर्ष 2024 का पहला महा सूर्य ग्रहण है। इस बार सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने वाला है। इसका आरंभ होगा 8 अप्रैल की रात को भारतीय समय से 9:12 तक। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय होगा रात में 8 की रात में 11:47 पर। इस ग्रहण का समापन होगा 9 अप्रैल के भोर में या रात में 2:22 तक। यानी 8 और 9 तारीख की जो मध्य रात्रि है उसमें 12 के बाद 9 तारीख शुरू हो जाएगी, तो 9 तारीख जब शुरू होगी 2:22 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के हिसाब से ये ग्रहण मीन राशि और रेवती नक्षत्र में लग रहा है और वहीं से ये सारी राशियों पर और सारे लोगों पर असर डालेगा। ये महासूर्य ग्रहण है क्योंकि ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढकेगा, सूर्य पर पूरी तरह से छाया होगी और सूर्य भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण दर्शनीय नहीं होगा। भारत में तो आप इस ग्रहण के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन दुनिया भर में संचार माध्यमों से आप इस ग्रहण को देख पाएंगे। तो ग्रहण बड़ा महत्वपूर्ण है और ये संपूर्ण ग्रहण लगने जा रहा है 8 अप्रैल को। पंडित जी, राशियों का सिलसिला शुरू करें जी।
सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? मेष राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, तनाव आपका बढ़ सकता है, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? वृषभ राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन की समस्या दूर होती जाएंगी, नौकरी में बड़ी सफलताएं मिलेंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण हमारे राशि पर क्या असर डालेगा ये पंडित जी से जानेंगे। उसके पहले पंडित जी से ये जान लेते हैं, पंडित जी पूरी दुनिया में जहां जहां ये ग्रहण दिखाई देने वाला है वहां बड़ी तैयारी की जा रही है, वैज्ञानिक अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं और कई जगहों पर तो ऐसी खबरें आई हैं कि सरकार ने हिदायत दी है कि आप ग्रहण के दौरान बाहर न निकले, ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है कई देशों में। तो ये जो ग्रहण है, ग्रहण के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो? देखिए, ग्रहण की दो सावधानियां होती हैं मुख्यतः। एक जो आपने बताई खगोल वाली सावधानी कि सूर्य को नंगी आंखों से ना देखें, उसके प्रकाश के संपर्क में ना जाएं, ये तो खगोलीय साइंटिफिक सावधानी है। ज्योतिष क्या कहता है कि जब ग्रहण लगता है तो सामान्यतः सूतक लग जाते हैं, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, सूतक लग जाते हैं और इस काल में बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना पड़ता है। आप सोएंगे नहीं, आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, आप आराम नहीं करेंगे, अन्न ना खाएं, कोई और भौतिक कार्य ना करें, इस तरह की बड़ी सावधानियां शुरू हो जाती हैं ग्रहण लगने के साथ। लेकिन जिस सूर्य ग्रहण की हम बात कर रहे हैं, 8 अप्रैल वाले सूर्य ग्रहण की, ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। इसलिए चूंकि भारत में दिखेगा ही नहीं, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह के नियम का पालन करने की आवश्यकता है ही नहीं। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि लोग गर्भवती महिलाओं को डरा देते हैं, ग्रहण लगने जा रहा है, सोना नहीं है, खाना नहीं है, चाकू मत चलाओ, कैंची मत चलाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। देखिए, वो क्या होगा वो तो कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा इसलिए किसी भी गर्भवती महिला को कोई नियम मानने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य आदमी जैसे चाहे अपना जीवन जी सकता है,
जो चाहे खाए पिए सोए जगे जैसे चाहे रहे, कोई प्रतिबंध है ही नहीं, क्योंकि भारत वर्ष में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। अब बात कर्क राशि की, चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि धन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे, नौकरी में लाभ का योग बन रहा है, मानसिक स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की, सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि नौकरी में लापरवाही ना करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आज दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की, बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि आराम के मूड में रहेंगे, धन की दशा उत्तम रहेगी, जीवन साथी के साथ तालमेल का ध्यान दें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। सवाल कैसे आप पूछें, कहां भेजें आपको बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र में देखिएगा, यदि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकले ताकि आपको फायदा हो। इसके साथ ही पंडित जी आगे बताएंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना होगा। साथ ही ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें दैनिक जीवन में काम आने वाली चीजों के बारे में पंडित जी बताते हैं। तो सवाल की बात कर लें, यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पंडित जी अभी सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न गोपाल प्रसाद श्रीवास्तव ने हमें लिखा है, मुंबई से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 4 मई 1991, 8:30 प्रातः, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं मेरे पुत्र का विवाह कब होगा, इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भविष्य और करियर कैसा होगा। गोपाल जी, आपके पुत्र के विवाह का समय चल रहा है, इस समय कभी भी विवाह तय हो सकता है। विवाह होगा इनका साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में, इस समय इनका विवाह होने की संभावना बनती है। विवाह जब भी करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में दिक्कतों की संभावना बनती है। हालांकि इनका करियर और इनका भविष्य उत्तम है, वहां पर दिक्कत दिखाई नहीं देती है। फिलहाल इनको एक ओपल बनवा के पहनाइए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल,
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और नमः शिवाय का जप ये रोज सुबह 108 बार करें, लाभ होगा। आज हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। साल का पहला सूर्य ग्रहण आपकी राशि पर क्या असर डालने जा रहा है पंडित जी से समझेंगे। पंडित जी, मेष से लेकर कन्या राशि वालों तक के लिए क्या है इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव? बिल्कुल, हम अलग अलग राशियों वालों को बताते हैं कि अगले 1 से 2 महीने तक इस ग्रहण का उनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वाले सावधान हो जाएं, आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। इस समय आप चाहें या न चाहें आकस्मिक रूप से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, तो मेंटली तैयार रहिए, थोड़ा सा मुश्किल समय है। वृषभ राशि, आपके लिए सूर्य ग्रहण अच्छा है क्योंकि आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे और आपको करियर में बड़ी सफलताएं इस समय मिल सकती हैं। करियर में बड़ी सफलताओं के योग आपके लिए बनेंगे। मिथुन राशि, ग्रहण के प्रभाव और परिणाम आपके लिए भी अच्छे हैं क्योंकि आपका स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपको करियर में इस समय नए अवसर प्राप्त होंगे। यानी मिथुन वालों को भी बहुत सारे फायदे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के करियर में इस समय दिक्कत आ सकती है, आपका करियर बिगड़ सकता है, नौकरी जा सकती है, सतर्क रहें। और घर के बुजुर्गों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, सावधान रहें, खास तौर से पिता के स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान देना है। सिंह राशि, सूर्य ग्रहण ये कहता है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखिएगा। और करियर में अगर कोई बड़ा मौका मिल भी रहा है, कोई बड़ा अवसर आ भी रहा है, तो बड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। करियर में बड़ा जोखिम लेने से, बड़ा रिस्क लेने से इस समय बचिएगा। कन्या राशि, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको काफी परेशान कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल मुश्किलें भी आ सकती हैं और पैसे की दिक्कतें भी आ सकती हैं। इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे, ये जरूरी है आपके लिए, और चोट चपेट से बचाव करेंगे, अन्यथा आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। यानी कन्या राशि वालों के लिए भी इस ग्रहण के परिणाम और प्रभाव बहुत अनुकूल नहीं है। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, नौकरी में आर्थिक लाभ होगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? वृश्चिक राशि, किसी बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, घर में कोई शुभ कार्य होगा,
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन सावधानी से चलाएंगे, परिवार में विवादों से बचेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। पंडित जी ने बताया कि सूर्य ग्रहण का मेष से लेकर कन्या राशि तक क्या प्रभाव होगा, अब बारी आ गई है तुला राशि से मीन राशि तक इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी आगे की राशि वाले इंतजार कर रहे हैं, तुला से मीन वालों के लिए कैसा रहेगा ये ग्रहण? सूर्य ग्रहण का प्रभाव मैं फिर बता दूं, 1 से 2 महीने तक रहेगा और अलग अलग राशि वालों के जीवन में बड़े क्विक प्रभाव, बड़े तेजी से इसके प्रभाव आएंगे। अगर हम तुला राशि की बात करें तो ग्रहण आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपकी चली आ रही समस्या हल होगी, चली आ रही समस्या समाप्त होगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, मन आपका मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हो जाएगा। वृश्चिक राशि, इस समय आपका कोई महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, सतर्क रहिए। आप कोई बड़ा काम लेकर बैठे हैं, बहुत उम्मीद मत पालिए, धैर्य रखिए, अभी महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। करियर में आपके समस्या हो सकती है, सतर्क रहिए, करियर में रिस्क मत लीजिएगा। धनु राशि, सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपके करियर में समस्या आ सकती है, इस समय सावधान रहना चाहिए और इस समय अनवांटेड, जो आप ना चाहते हो ऐसा कोई निगेटिव स्थान परिवर्तन हो सकता है, इस बात को समझिए और मेंटली मजबूत रहिए। मकर राशि, सूर्य ग्रहण का प्रभाव इनके लिए अच्छा है, शुभ है। सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। इस समय आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं या करियर में कोई नई शुरुआत हो सकती है, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहिए, अगले 1-2 महीने तक स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान कर सकती हैं और पारिवारिक जीवन में, आपकी फैमिली लाइफ में भी समस्याएं हो सकती हैं, अपने पारिवारिक समस्याओं का ध्यान रखिएगा। मीन राशि, आपकी राशि में ही ग्रहण है, सबसे ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर ही पड़ेगा, वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, मैरिटल लाइफ को लेके सतर्क रहें, दुर्घटनाओं और वाद विवाद से सावधान रहें, पार्टनरशिप में, व्यापार में किसी के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं उसमें इस समय बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, उसको लेकर के सतर्क हो जाइए। अब वक्त है आपके सवाल का, यदि आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें, वहां से हम आपका सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी अभी सवालों के पिटारे से दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी जब भी ग्रहण लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण लगे चाहे चंद्र ग्रहण लगे, सूतक काल लग गया तो लोग कहते हैं अब कुछ खाना पीना नहीं है,
तो ऐसा क्यों होता है कि खाने पीने पर लोग मनाही लगा देते हैं? देखिए प्रवीण जी, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जल तत्व उसमें इन्वॉल्व होता है, जल की मात्रा होती है और जल के माध्यम से ही सारा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। भोजन पकाने में भी जल का ही इस्तेमाल हम करते हैं, तो जल तत्व की प्रधानता की वजह से ग्रहण काल में भोजन के अंदर ऐसे गुण आ सकते हैं जो आपको शारीरिक मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। इसीलिए ग्रहण काल में भोजन नहीं खाया जाता, और अगर भोजन करना है तो सूतक के पहले बनाकर खा लें, ग्रहण के बाद रसोई धोएं और फिर भोजन बनाकर खाएं, ऐसा नियम कहता है। लेकिन अगर भोजन ज्यादा है या भोजन बनी गया है, आप फेंकना नहीं चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल देने से उस पे निगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक तरंगों का असर नहीं होता और ये भोजन शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। आज हम पंडित जी से जान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर क्या असर हो रहा है। पंडित जी ने हर राशि वाले के लिए बताया है कि ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा। पंडित जी, जिन राशि वालों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव है, उन लोगों को ग्रहण काल में या ग्रहण के बाद क्या उपाय करना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, ग्रहण लग रहा है 8 अप्रैल को लगभग रात के 9 बजे के बाद और 2 बजे तक ये ग्रहण लगभग रहेगा। जितने समय ग्रहण चलेगा, अब ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है ये सब मत सोचिए, ग्रहण जितने समय चलेगा उतने समय में आप सूर्य के मंत्र का जप कर लीजिएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम घृणिहि सूर्याय नमः, किसी भी सूर्य के मंत्र का एक माला या 3 माला जप कर लीजिएगा। साथ में रक्षा के लिए कम से कम 108 बार एक माला नमः शिवाय भी जप लीजिएगा। ये आप ग्रहण काल में कर लीजिएगा, कहीं भी हो आप आराम से बैठ के सूर्य भगवान और शिव जी के मंत्र का जप कर लें। ग्रहण चूंकि मध्य रात्रि में समाप्त होगा, तो ग्रहण के दिन यानी 9 तारीख को सुबह आप क्या करिएगा, स्नान कर लीजिएगा और स्नान करने के बाद तांबे के बर्तन, गुड़, गेहूं या आटे का दान कर दीजिएगा किसी निर्धन व्यक्ति को। तो अगर आप ग्रहण के दौरान मंत्र जप कर लेंगे और ग्रहण के बाद दान कर देंगे तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपको प्रभावित नहीं करेगा। अब बात मकर राशि की, शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, यात्रा करनी पड़ सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नया काम शुरू हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन प्राप्ति में आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां आप पूरी कर पाएंगे।
भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। पंडित जी, लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नंबर 2, बेवजह की दौड़ भाग आपकी हो सकती है। नंबर 3, आपका धन खर्च बढ़ा रहेगा। नंबर 4, करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 5, पारिवारिक समस्या में सुधार होगा। नंबर 6, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 8, करियर में आपको सफलता मिलेगी। नंबर 9, आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। अब वक्त है भाग्य पहर जानने का। पंडित जी, आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और उस दौरान क्या करें? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जला करके भगवान से प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना स्वीकृत होगी, प्रार्थना स्वीकार होगी। अब समय हो गया है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खा करके जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, सफलता मिलेगी। अगर चिकित्सा के लिए जाना है तो लाल चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है आज आपको तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी, आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ रहेगा मीन राशि वालों के लिए। अपने महत्वपूर्ण काम करिए, करियर में आगे बढ़िए, धन के लिए प्रयास करिए, हर कार्य में सफल होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। धन की प्राप्ति होगी, चिंताएं समाप्त होंगी और लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा सिंह राशि वालों को, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं और सेहत इनकी बिगड़ सकती है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।